श्री जड़कोर गौधाम गौ सेवा समिति सूरत द्वारा भव्य भगवद गीता नु आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां प्रथम दिवसे मोटी संख्यामां लोको आ कथाने सांभळवा माटे हाजर रह्या हता। सूरत शहेरना सेटेलाइट विस्तारमां आवेल श्री सुरभि धाममां श्रीमती गीता देवी गजाननजी कंसल अने समस्त कंसल परिवार द्वारा श्री जड़कोर गौधाम सेवा समिति सूरत द्वारा भव्य भगवद गीता नु आयोजन करवामां आव्युं छे, जेना प्रथम दिवसे मोटी संख्यामां लोको आ कथाने सांभळवा माटे हाजर रह्या हता। आ कथानु आयोजन 8 जनवरी थी लईने 14 जनवरी सुधी करवामां आव्युं छे, जेनो उद्देश्य गाय माताने राष्ट्रीय पशु मानवामां आवे तेमज गौ रक्षाना હેતુથી છેલ્લા 7 વર્ષોથી આ કથા યોજાઈ રહી છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ કંસલ પરિવારે આ ભવ્ય આયોજન કર્યું છે। કથાકાર તરીકે સ્વામી શ્રી રાજેન્દ્રજી દાસ હાજર રહ્યા હતા। नमस्कार। श्री जड़खोर गौधाम गौशाला सेवा समिति सूरत के द्वारा एक भगवद गीता जो है वो पारायण का आयोजन किया गया। किस तरह से ये भगवद गीता लोगों तक सुनाई जाएगी, हाल ही हम देखें तो सनातन धर्म जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमारे साथ जो सभ्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, किस प्रकार का ये आयोजन है, कितने दिन का है और इसमें क्या क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहे? ये 7 दिन का आयोजन है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जड़कोर गौ सेवा समिति निमित्त जो भी गौ सेवा निमित्त जो भी फंड आता है तो गौ सेवा के उपयोग में लिया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है। और ये हर साल ये कथा कराई जाती है और पिछले 7 वर्ष से हम लोग ये कथा करवा रहे हैं जड़कोर गौ सेवा समिति। और इसके मुख्य यजमान जो है हमारा परिवार रहता है। और कथा का मेन उद्देश्य ये भी है कि सूरत शहर के अंदर मल मास के अंदर सूरत वासियों को महाराज जी के मुख से सत्संग सुनने को मिले। 7-8 साल से ये कथाएं सुनने में सुनाने में आ रही है। आज की इस कथा में कथाकार कौन है और किन के मुख से ये कथा सुनाई जाए? मुख्य कथावाचक पिछले 7 साल से महाराज जी हैं, मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र प्रसाद देवाचार्य जी। जी, क्या कहेंगे जो भक्त हैं और आने वाले समय में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? राम मंदिर का ये पूरा साल ही राममय है और प्रतिष्ठा की सबको इंतजार पिछले 500 वर्ष से थी। रामलला अपने जगह पे विराजमान होंगे और एक बहुत खुशी का बात है। जी, इस कथा में क्या क्या झांकियां हैं जो प्रस्तुत की जाएंगी, जो भगवद गीता है किस तरह से रहेगी? महाराज जी की कथा में भजन झांकियां वगैरह कम रहते हैं, सत्संग ज़्यादा रहता है और कृष्ण उत्सव जरूर होगा, बाकी और कोई झांकियाँ नहीं है।